हेलो फ्रेंड्स, मैथवित गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम जो हमने लास्ट क्लास में टाइप पढ़ा था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आज की क्लास में टाइम एंड वर्क टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो जो भी नया टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट करके मुझे बता दे ताकि नेक्स्ट क्लास से हम वो नया टॉपिक स्टार्ट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 61 नंबर का क्वेश्चन है। 60 तक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास तक बता दिए थे, तो अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियोस देखिए ताकि आपको जो टाइप मैंने बताया था वो अच्छे से समझ में आ सके और आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए, 61 नंबर का क्वेश्चन आपसे बोला है कि दो गर्मियां दो वर्कर हैं, ए और बी ने एक साथ मिलकर कार्य स्टार्ट किया तो 5 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता से कार्य किया होता और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से एक तिहाई क्षमता से अगर कार्य किया होता तो वही कार्य 3 दिनों में कंप्लीट हो जाता। तब आपको बताना है कि अगर ए अकेला उस कार्य को करता तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। क्लियर? तो देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको दे रखा हो कि नंबर ऑफ मैन, या ठीक है मैन दे रखा हो, इंटू टाइम इंटू एफिशिएंसी, ठीक है। ये क्या होता है? टोटल वर्क। क्लियर? तो ये टाइप आपको मैंने बताया था और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि दो व्यक्ति हैं, ए और बी हैं, वो साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो देखिए, साथ मिलकर कार्य करेंगे तो ए और बी, यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी है तो ए और बी मिलकर काम किया, इन्होंने 5 दिनों तक काम किया तो बताइए क्या हो गया? टोटल। क्लियर है? तो टोटल वर्क हो गया। अब इसने बोला है कि अगर ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से, देखिए ये क्या है इनकी एफिशिएंसी, ए क्या है एफिशिएंसी है, ये बी एफिशिएंसी है, तो अगर ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता से कार्य किया होता, कि पहले तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी से काम कर रहा था, अब यहाँ पे अगर 2A की एफिशिएंसी से काम करे और जो बी है वो एक तिहाई एफिशिएंसी से काम करे यानी B/3 से, तो इस एफिशिएंसी से दोनों मिलकर काम करे तो ये काम 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है, 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है तो बताइए ये भी क्या है? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इक्वल, यही मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो यहां से हम क्या करेंगे? एफिशिएंसी निकालेंगे। तो देखिए, यहां से इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, तो सोल्व कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे क्या बन जाएगा? 5A, ये बन गया 5A + 5B इक्वल टू यहाँ 6A + 3 से कट जाएगा यहाँ ये भी, तो यहाँ पे देखिए 5A उधर जाएगा तो 8, ये A बन गया और इधर 4B। तो यहाँ पे A और B की एफिशिएंसी का रेशियो, A और B की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 4:1, कितना आ गया? 4:1। क्लियर? तो अब एफिशिएंसी आ गई, अब यहां से हम क्या निकालेंगे? टोटल वर्क, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 3 स्टेप में हम करेंगे क्वेश्चन को, वही तरीका हम लगा रहे हैं। तो देखिए, यहां से टोटल वर्क निकाल सकते हैं, टोटल वर्क आप यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहां पे इजी है तो यहां से निकालेंगे, A+B है तो A+B की एफिशिएंसी कितनी है? 4 और 1 5, तो ठीक है, ए और बी इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5, और 5 दिन से काम कर रहे हैं तो टोटल वर्क कितना हो गया? 25। तो हमारे पास टोटल वर्क आ गया 25। इसने क्या पूछा है कि ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क है हमारे पास 25 और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4। ये 4 की एफिशिएंसी कितना टाइम लेगा? 4×6=24, 6 सही 1/4। क्लियर? देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको जो टाइप है वही टाइप मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा तो सबसे पहले लास्ट वीडियोस देखें ताकि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि पुरुषों की एक निश्चित संख्या 108 दिनों में काम को खत्म कर सकती है, अगर 28 आदमी कम होते तो काम खत्म होने में 24 दिन और लगेंगे, तो मूल रूप से वहां कितने आदमी थे? क्लियर? तो कुछ आदमी किसी काम को लगाए गए और 108 दिनों में उन्होंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब इसने बोला है कि अगर 28 आदमी कम होते, अगर उनमें से 28 आदमी कम होते तो वही काम करने में 24 दिन एक्स्ट्रा लगते, ठीक है, ये बोला है। तो इसने पूछा है कि मूल रूप से वहां कितने आदमी थे, नंबर ऑफ मैन पूछा आपसे। तो देखिए, यहां से क्या हो जाएगा, अब मैं मान लेता हूं कि जो नंबर ऑफ मैन है वो एन है, पहले कितने थे? एन थे, ठीक है, तो मैंने एन व्यक्ति मान ली। तो देखिए, एन व्यक्ति हैं
ठीक है। और कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं? 108 दिनों में। तो n व्यक्ति हैं, 108 दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो ये क्या हो गया इसका टोटल। देखिए आप मानने में इन एक व्यक्ति की एफिशिएंसी मान सकते हैं x मानकर, लेकिन वो इधर भी हम करेंगे तो वो भी कट जाएगा, तो उसे लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसलिए हम नहीं लेते यहाँ पे एफिशिएंसी। तो देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो देखिए ये हो गया टोटल वर्क, नंबर्स ऑफ मेन इनटू टाइम, ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि अगर 28 व्यक्ति कम होते, यानी पहले कितने थे, n व्यक्ति थे, तो n व्यक्ति थे तो 28 व्यक्ति कम होंगे तो इतने बचे, तो इतने व्यक्ति होंगे, ये इतने व्यक्ति कितने दिन में कंप्लीट करें, 24 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे इनको, तो पहले तो कितने डेज लग रहे थे, 108 दिन, और अब एक्स्ट्रा 24 दिन और लगेंगे, तो 108 और 24 कितने हो गए, 132, तो अब 132 दिन लग रहे हैं, ठीक है, तो वही काम करने में, तो ये टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहां से सोल्व कर लीजिए, देखिए यहां से कितना हो जाएगा, देखिए 108 है और यहाँ पे ये हो गया 108 है और यहाँ पे 132 है, माइनस 28 इंटू 132, ठीक है, 132 है माइनस 28 इंटू 132, तो देखिए 108 इधर आ जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 24 है, और ये पलट के उधर चला जाएगा तो ये कितना बन गया, 28 इंटू 132, क्लियर है। तो यहां से देखिए सोल्व कर लीजिए, 12 से काट दीजिए यहां से, तो 12 में 24, यहां से 12 से काटेंगे तो 11 बार, 2 से और काट दीजिए यहां से 14, तो बताइए एन की वैल्यू कितनी आ गई, 14 को 11 से गुना करेंगे तो 114, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ मेन कितने हैं, 114, जो शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, 114। इसी क्वेश्चन को आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए दूसरा तरीका भी बता देता हूं आपको, मेथड सेकंड। देखिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे टोटल वर्क क्या है, यहाँ पे नंबर्स ऑफ मेन इनटू टाइम, नंबर्स ऑफ मेन इनटू टाइम क्या है, यहाँ पे टोटल वर्क, टोटल वर्क, वैसे यहाँ पे होता क्या है, नंबर्स ऑफ मेन इनटू टाइम इनटू एफिशिएंसी, लेकिन यहाँ पे टाइम एंड जो टोटल वर्क है वो कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी लेने का कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी को हटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए नंबर्स ऑफ मेन इनटू टाइम क्या हो गया, टोटल वर्क। अब देखिए दोनों तरफ अगर टोटल वर्क कॉन्स्टेंट है, तो इस टोटल वर्क अगर कॉन्स्टेंट है तो मुझे बताइए कि नंबर्स ऑफ मेन ये क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ मेन क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम की। इसका मतलब क्या है कि जो इनका रेशियो होगा, अगर नंबर्स ऑफ मेन का रेशियो ए अनुपात बी है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, बी अनुपात ए, क्लियर है। अगर नंबर्स ऑफ मेन, ठीक है, नंबर्स ऑफ मेन का रेशियो अगर ए अनुपात बी है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, बी अनुपात ए, इसका उल्टा हो जाएगा अगर टोटल वर्क कॉन्स्टेंट है। तो यही कंसेप्ट हम लगाएंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए यहां पर इसने बोला है कि देखिए इसमें टाइम बोला है कितना, 108 दिन, जो पहले लग रहा था, जो पहले कितना टाइम लग रहा था, 108 दिन, और बाद में कितना टाइम लगा इसको, 24 दिन एक्स्ट्रा लगे, तो यहां पे 108 में 24 जोड़ेंगे तो कितना लग रहा है इसको, 132 दिन, ठीक है, ये आफ्टर। तो पहले 108 दिन लग रहा था, बाद में कितना लग रहा है, 132 दिन, तो मुझे बताइए यहां से टाइम का रेशियो कितना आ गया, यहां से टाइम का रेशियो कितना आ गया, देखिए यहां से 12 से काट दीजिए तो 12 नाम 108, तो 9:11, क्लियर है। तो देखिए टाइम का रेशियो आ गया 9:11, यहाँ पे टोटल वर्क कांस्टेंट है, तो मुझे यहां बताइए नंबर्स ऑफ मेन, नंबर्स ऑफ मेन इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 11:9 हो जाएगा, क्लियर, यहां से 11:9 हो जाएगा, रेशियो हो गया। अब इसने देखिए क्या बोला है, अब यहां से नंबर्स ऑफ मेन में देखिए यहां पे कितना, यहां पे कितने की कमी हुई, 11 से कितना हो गया 9, तो कितने की कमी हुई, 2 की कमी हुई। इस 2 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में ये बोला है, क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि यहाँ पे 28 व्यक्ति कम हो जाते हैं, कितने व्यक्ति कम हो जाते हैं, 28 व्यक्ति, और हमारे पास कितने व्यक्ति कम हुए, 2 व्यक्ति, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 28, तो 2 यूनिट की वैल्यू 28 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी,
होगा। आपसे पूछा गया है कि मूल रूप से व्यक्ति कितने थे, यानी इनिशियली कितने व्यक्ति थे, तो देखिए इनिशियली कितने व्यक्ति थे, 11 व्यक्ति थे और बाद में 9 हो गए, कितने की कमी हुई, 2 की, 2 की वैल्यू आपको 28 दे रखी है तो 1 की हो गई 14। तो इनिशियली पूछा है तो इनिशियली कितने हो जाएगा यहाँ पे 11 × 14, तो कितना आ गया यहाँ से 114। तो शुरू में कितने व्यक्ति थे, 114। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि 25 व्यक्ति हैं वो किसी काम को 60 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, उन्होंने काम करना शुरू किया 8 दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, यदि सारा काम 80 दिनों में कंप्लीट हुआ तो 8 का मान क्या हो। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि 25 व्यक्ति हैं वो कितने दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं, 60 दिनों में। तो ये क्या हो गया इसका टोटल, क्या हो गया इसका टोटल वर्क। क्लियर, उन्होंने काम स्टार्ट किया, उन्होंने काम स्टार्ट किया और 8 दिनों के बाद, 8 दिनों तक तो काम किया किन्होंने, 25 व्यक्तियों ने काम स्टार्ट किया, यहाँ पे 25 व्यक्तियों ने स्टार्ट किया, 8 दिनों तक काम किया और 8 दिनों के बाद में 10 व्यक्ति यहां से छोड़ के चले गए, तो बताइए यहाँ पे कितने व्यक्ति बचे, 15 व्यक्ति। और ये उसने बोला है कि टोटल जो वर्क हुआ है वो कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है, 80 दिनों में। कितने दिनों में, 80 दिनों में। तो यहाँ पे तो 8 दिनों में इन्होंने काम कंप्लीट कर लिया, बचे कितने दिन, 80 माइनस 8, तो 80 माइनस 8 दिन, 8 डेज हैं, तो ये 15 व्यक्ति काम करेंगे इतने दिनों के लिए और यहाँ पे 25 व्यक्तियों ने किया है काम, तो ये टोटल वर्क, यहां से टोटल वर्क निकाल। तो देखिए यहां से क्या हो गया हमारे पास टोटल वर्क कि 25 व्यक्ति हैं वो 8 दिनों तक काम करते हैं, तो इस 25 व्यक्तियों ने इतना काम कर लिया प्लस फिर बचे कितने व्यक्ति, 15 व्यक्ति, 15 व्यक्ति 80 माइनस 8 डेज तक काम करते हैं, तो ये कितना हो गया 15 × 80 माइनस 8, तो ये वर्क हो गया और ये दोनों मिलकर क्या हो गया टोटल वर्क। तो यहाँ पे भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पे हम सोल्व करेंगे, 25x है यहाँ पे माइनस का 15x है तो कितना बच गया 10x प्लस 15 × 80, ये है 25 × 60। क्लियर, तो देखिए यहां से जीरो से कट जाएगा, ये सोल्व कर लीजिए, अक्स का मान कितना आ जाएगा, अक्स का मान आ जाएगा 25 × 6, 25 × 6 = 150, ये उधर चला जाएगा तो 25 × 200। ठीक है, देखिए यहां पे 15 × 120, 25 नहीं है, 15 × 120, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 150 − 120, तो कितना आ गया यहाँ पे 30, तो अक्ष का मान कितना आया हमारे पास 30। यही पूछा था अक्ष का मान क्या होगा, तो ये 30 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर दिन में 6 घंटे काम करने वाले 12 बढ़ई, बढ़ई का मतलब क्या है कारपेंटर, ठीक है कारपेंटर है, 12 कारपेंटर हैं, 6 घंटे पर डे काम करते हैं और 460 चेयर बनाते हैं 240 किलोमीटर, देन नंबर्स ऑफ चेयर मेड बाय 18 कारपेंटर इन 360 डेज इज वर्किंग आवर्स ऑफ डे, ठीक है ये पूछा है। तो देखिए एक नया टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, देखिए एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, m1 × h1 × d1 × इनकी एफिशिएंस, ठीक है एक व्यक्ति की एफिशिएंस अपॉन w1 इक्वल टू m2 × h2 × d2 × जो भी इनकी एफिशिएंसी है, अगर अलग अलग व्यक्ति हैं तो इनकी एफिशिएंसी अलग होगी, अगर व्यक्ति सेम है, ठीक है अगर व्यक्ति सेम है तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, इक्वल होगी, तो ये एफिशिएंसी कट जाती है, ठीक है ये ध्यान रखना। और यहाँ पे इनका वर्क है W, ठीक है देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि M1 व्यक्ति है वो पर डे H1 होवर, ठीक है H1 होवर काम करते हैं और कितने दिन D1 डेज काम करते हैं, और ये इतना काम करने के कारण जो काम हुआ है वो कितना हुआ है W1, ठीक है इनके द्वारा जो काम किया गया है वो कितना काम किया गया है W1। तब आपसे पूछ लेता है, यहाँ पे आप W पूछ सकता है, 3 वैल्यू देगा और यहां से इनसे पूछ लेगा, ठीक है यहां से दूसरा ये बोलेगा कि M2 व्यक्ति है वो H2 होवर काम करते हैं D2 समय के लिए और इतना वर्क करते हैं, तो हम इन दोनों को इक्वल करके जो भी हमसे पूछा जाता है वो हम निकाल लेते हैं। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे CGL या रेलवे की तैयारी कर रहे हो। क्लियर है,
तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, अगर दिन में 6 घंटे काम करता आपको दे रखा है H1, 12 व्यक्ति हैं तो 12 व्यक्ति आपको M1 दे रखा है यहाँ, और कितने दिनों के लिए दोस्तों 40 दिनों के लिए ये D1, और कितना काम कर लेता है ये 460 कुर्सियां बना देता है तो ये W1 दे दिया। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे M1 इंटू H1 इंटू D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 इंटू H2 इंटू D2 डिवाइडेड बाय W। यहाँ पे जो मेन से जो कारपेंटर है वो सेम है यहाँ पे दोनों कंडीशन, तो यहाँ पे एफिशिएंसी लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एफिशिएंसी कट जाएगी दोनों के लिए, ठीक है। अगर व्यक्ति अलग अलग होते तो एफिशिएंसी भी क्या होती, अलग अलग होती। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो कितने व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति हैं, तो 12 व्यक्ति हैं कितने घंटे काम करते हैं एक दिन में, 6 घंटे काम करते हैं, और कितने दिनों के लिए, 240 दिनों में। तो 240 दिनों तक इतना काम किया और इसमें कितना काम कर लिया इन्होंने, 460 कुर्सियां बना दी। क्लियर? फिर है 18 व्यक्ति हैं, ये 18 कारपेंटर हैं, वो कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं एक दिन में, और 360 दिनों में काम करते हैं। तो आपसे पूछा क्या है, ये एक नई चीज पूछी, क्या पूछा इसने कि बनाए गए कुर्सियों की संख्या क्या है, यानी आपसे क्या पूछा है, W2 पूछा है। तो यहां से हम सोल्व करेंगे और डायरेक्ट हम आंसर बता दें। तो देखिए सोल्व कर लीजिए, यहां से 0 से 0 कट जाएगा, 12 से काट दीजिए 12 में 24 और 12 दिया 36, यहां से 2 से काटेंगे तो ये 4 बार, ये 4 से कट जाएगा 3 बार, 4 दिया 12, ये 6 दिया 18 हो गया, काट गया पूरा का पूरा। यहां से W2 की वैल्यू कितनी आ गई, W2 कितना हो जाएगा, ये पलट के उधर चला जाएगा, तो 460 इंटू, यानी W2 हमारे पास कितना आ गया, देखिए गुना कर दीजिए, 6 दिया 18, 1 4 दिया 12 और 1 13, तो W2 कितना आ गया, 1380, यानी उनके द्वारा बनाई गई जो कुर्सियों की संख्या है वो कितनी होगी, 1380। तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला लगाना है और आपसे जो भी पूछा जाए, आपको देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको एक चीज पूछा जाएगा, बाकी के जितने भी वैल्यू है वो सब आपको गिवन रहेगी। आप यहाँ से M2 पूछ सकता है, D2 पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, सभी वैल्यू देगी। यहाँ पे जितने भी 4-8 क्वांटिटी है, 8 में से आपको 7 क्वांटिटी दी गई होगी एग्जाम क्वेश्चन में, और फिर नेक्स्ट 8वीं क्वांटिटी है वो आपसे पूछी होगी, ठीक है। यहाँ पे W2 पूछा था आपसे, यहाँ से M2 भी पूछा जा सकता है W2 देकर, तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए 65 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 45 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को 18 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसी काम के 2/3 भाग को प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता हो, ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए सबसे पहले तो 45 व्यक्ति है, तो 45 व्यक्ति कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, और कितने दिनों के लिए, 18 दिनों के लिए, तो ये क्या हो गया हमारे पास, टोटल वर्क, ये टोटल वर्क हो गया। अब इसने बोला है कि इस काम का 2/3 भाग, ये टोटल वर्क है, इस काम के 2/3 भाग को, इस काम को 2/3 भाग के इनको करवाना है, तो 2/3 भाग को करवाना है 9 घंटे काम करके 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछा है। तो देखिए ये टोटल वर्क, और आपसे यहां से बोला है कि n, मैं मान लेता हूं जो नंबर्स ऑफ रिक्वायरमेंट है, जो आदमी की रिक्वायरमेंट है वो n है, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या है वो n है, तो n व्यक्ति है वो एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं, और कितने दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए, तो इतना काम करेंगे तो ये भी टोटल वर्क हो गया, और कितना काम करवा रहे थे, 2/3 टोटल वर्क का, तो ये व्यक्ति करेंगे, तो यहां से n की वैल्यू निकालेंगे सोल्व करके, तो देखिए सोल्व करेंगे तो 3 6 18, यहां से 9 से कटेंगे, काटेंगे तो 9 5 45, 4 से काट दीजिए आप, यहां से 4 2 8, 4 5 20, 5 से कट जाएगा पूरा पूरा, तो यहां पे कितना आ गया, 6 2 12, 12 2 24, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 24। क्लियर? तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी हमारे पास, 24 व्यक्ति। क्लियर? अगर आपको एग्जाम में करना है तो आपको एन वगैरह कुछ नहीं मानना, आपको डायरेक्ट करना है जैसे आपको बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 45 व्यक्ति हैं, 8 घंटे काम करते हैं, 18 दिनों में कंप्लीट कर लिया, तो ये टोटल वर्क हो गया, इसका 2/3 काम करवाना है, 2/3 काम करवाना है, तो ये काम कौन करेगा, ये करेंगे, और कितने दिनों के लिए, लेकिन 9 घंटे काम करते हैं और 20 दिनों के लिए, तो इतने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, इसको सोल्व कर लीजिए तो ये कितना आ गया हमारे पास, 24। इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि यदि 90 व्यक्ति हैं वो 16 दिनों में एक निश्चित काम को 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कर सकते हैं, तो उस काम का कितना हिस्सा 70 पुरुषों द्वारा 24 दिनों में 8 घंटे प्रतिदिन करके पूरा किया जा सकता है। तो देखिए पहले तो टोटल वर्क निकाल लीजिए यहां से, तो यहां से टोटल वर्क कितना आ गया कि 90 व्यक्ति हैं वो 16 दिनों में कंप्लीट करते हैं किसी काम को, और प्रतिदिन कितना काम करते हैं एक दिन में 12 घंटे, तो ये टोटल वर्क होगी। अब आपसे पूछा है कि अगर ये इतना काम करते हैं तो ये कितना हिस्सा है टोटल वर्क का, तो मुझे बताइए यहां से कितना हो गया। देखिए ये वर्क कितना है, 70 मेन है, 24 दिन काम करते हैं और कितने दिन पर प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं 8 घंटे, तो ये वर्क है और ये टोटल वर्क हमारे पास, तो इसका हिस्सा बताना है कि कितना हिस्सा होगा। तो नीचे टोटल वर्क रखेंगे और उसमें कितना काम किया है वो ऊपर रखेंगे, तो यहां से सोल्व कर लीजिए ये इनका हिस्सा होगा। देखिए 0 से 0 कट गए, 8 से काटेंगे 8 दुनी 16, 12 से काट दीजिए 12 दुना 24, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना हिस्सा आ गया यहाँ पे 7/9। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से एग्जाम में करना है, तो 7/9 हिस्सा ये कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग सभी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है। देखिए 24 सैनिकों के लिए 60 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है और प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 750 ग्राम भोजन खाता है, 43 दिनों के बाद 900 सैनिक शिविर से बाहर निकल जाते हैं, अब बाकी जवानों के लिए खाना कितने दिनों तक रहता है यदि अब प्रतिदिन हर एक सैनिक 850 ग्राम खाना खाए। तो सबसे पहले तो मुझे यहां से बताइए कि टोटल खाना कितना है। देखिए टोटल खाना हमारे पास कितना है, देखिए 2400 सैनिक है, 2400 सैनिक है, कितने दिन तक चला वो खाना 60 दिन तक, और एक दिन में वो कितने एक व्यक्ति है वो कितना ग्राम खा रहा है 750 ग्राम, तो एक दिन में 750 ग्राम एक व्यक्ति 750 ग्राम खा रहा है, तो 2400 व्यक्ति इतना खाएगा और 60 दिनों तक ये हो गया। तो हमारे पास टोटल कितना है, वो टोटल वर्क मान लीजिए या टोटल जो हमारे पास खाना है वो इतना है, इतने ग्राम खाना है, क्लियर। तो ये हमारे पास टोटल इतने ग्राम भोजन है। अब इसने बोला है कि 43 दिनों के बाद 900 सैनिक शिविर से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए 43 दिनों के बाद 900 सैनिक बाहर चले गए, तो 43 दिन तक तो 2400 सैनिकों ने खाया, यहां से देखिए 2400 सैनिक है इस तरीके से समझ लीजिए, यहां पे क्या हुआ है देखिए 2400 सैनिक थे, इन्होंने 43 दिनों तक तो सेम 750 ग्राम खाना खाया प्रत्येक व्यक्ति ने, और 43 दिनों के बाद यहां से कितने व्यक्ति 900 व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं, कितने व्यक्ति 900 सैनिक छोड़कर चले जाते हैं। और अब आपको बताना है कि ये अगर एक सैनिक 850 ग्राम खाना खाता है तो ये कितने दिन चलेगा। अब देखिए यहां जो 2400 सैनिक थे पहले, 900 सैनिक चले गए, तो यहां पे कितने सैनिक बचे, 1500 सैनिक, ठीक है। तो 1500 सैनिक बचे, तो आप यहां से क्या कीजिए देखिए, या तो आप पहला तरीका देखिए बिल्कुल बेसिक से, कि 2400 व्यक्ति हैं, जो 2400 सैनिक हैं वो 43 दिन तक 750 ग्राम खाते हैं, तो ये 750 ग्राम खाते हैं 24 दिनों तक, ये कंप्लीट खा लेंगे। फिर इसके बाद में 900 व्यक्ति बचे, जो 900 सैनिक हैं वो एक दिन में कितना खाना खा रहे हैं 850, और कितने दिनों तक वो निकालना है हमें, और कितने व्यक्ति हैं 1500, सॉरी यहाँ पे 900 नहीं आएगा 1500, यहाँ पे कितने व्यक्ति बचे 1500, एक व्यक्ति कितना खाना खा रहा है 850 ग्राम, और ये कितने दिनों तक ये हमें निकालना है, और बाकी का टोटल, ये टोटल वर्क हो जाएगा। तो यहां से इसके इक्वल कर दीजिए और इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये इसका अक्स का मान निकाल सकते हैं, ये तो पहला तरीका हो गया, ये आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका जो आपको एग्जाम में लगाना है, देखिए इसमें क्या करना है आपको, देखिए आपको रिमेनिंग फूड बताना है पहले, देखिए रिमेनिंग फूड निकाल लीजिए यहां से कि रिमेनिंग फूड हमारे पास कितना बचा। देखिए यहां तक तो इन्होंने खा लिया 43 दिनों तक, तो ये तो खाना हो गया, अब बचा कितना खाना है, जो खाना बचा हुआ है वही तो खाएंगे ये लोग, 1500 सैनिक है एक दिन में 850 ग्राम खा रहे हैं, तो जो रिमेनिंग फूड बचा है वही तो खाएंगे, और ये आपसे पूछा है कि कितने दिन चला है, तो यहां से आप रिमेनिंग फूड निकाल लीजिए। देखिए यहां से 2400 × 60 × 750 टोटल था, इन्होंने 43 दिनों तक, देखिए 2400 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं 2400 व्यक्ति हैं, एक दिन में कितना खाना खा रहा है 750
तो 750 ग्राम खाना खा रहा है। अब 43 ग्राम तो खाना, 43 दिनों तक तो खाना कंप्लीट हो चुका है, बाकी कितने दिनों तक खाना था? 60 दिनों तक। इतना अवेलेबल था हमारे पास 60 दिनों के लिए था, 43 दिनों तक उन्होंने खा लिया, बचे कितने दिन? 17 दिन। ठीक है, बचा हुआ खाना इतना होगा, ठीक है, ये 17 दिनों के लिए इतना बचा हुआ फूड है। अब ये बचा हुआ फूड है ये कौन खा रहा है, ये कौन खाएगा? 1500 व्यक्ति, 1500 व्यक्ति खाएंगे, और एक दिन में कितना ग्राम खा रहे हैं? 850 ग्राम। तो ये इतने दिन चलेगा, ये इतने दिन चलेगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपको डायरेक्ट एग्जाम में करना है। यहां से सोल्व कर लीजिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहां से कट गया 15.75, 0 से ये 0 कट जाएगा 5, यहां से 17.85, 5 से 5, यानी आपके पास कितने दिन चलेगा ये खाना? 24 दिन। क्लियर है? तो ये 24 दिन खाना चलेगा। तो ये आपके पास दोनों तरीके हैं, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये बेसिक तरीका होगी, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा रहेगी, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आप एग्जाम में करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट क्या करना है, रिमेनिंग फूड निकालना है, और आपसे निकालना है नंबर ऑफ डेज, कितने दिन तक वो खाना चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी SSC CGL मेंस में पूछा गया सवाल है। देखिए इसमें बोला है कि एक ठेकेदार ने 60 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लिया, उसने 150 लोगों को रोजगार दिया, और 45 दिनों के बाद उन्होंने 130 और पुरुषों को नियुक्त किया, जिससे काम समय पर समाप्त हो गया। ज्ञात करें यदि अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया जाता तो काम कितने देर से पूरा हो। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला क्या है वो एक बार बता देता हूं आपको। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में बोला है कि एक ठेकेदार था, तो उसने 60 दिनों में सड़क बनाने का, ये मान लीजिए ये सड़क थी, तो ये सड़क बनाने के लिए उन्होंने टेंडर लिया, और ये 60 दिनों में कंप्लीट करने के लिए उन्होंने बोल दिया कि 60 दिन में ये कंप्लीट करना है, और इसके लिए उस ठेकेदार ने 150 व्यक्ति लगा दिए काम पर। क्लियर? लेकिन बाद में क्या हुआ कि काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसने कुछ दिनों तक तो काम करवाया, ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए 45 दिनों के बाद में, तो 45 दिनों तक तो इन लोगों से काम करवाया, और फिर बाद में क्या किया, जब काम नहीं होता दिखा, 60 दिनों में कंप्लीट नहीं होगा, तो उसके लिए उसने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा व्यक्ति और जोड़ दी। तो उसने 150 व्यक्ति तो थे, तो 130 व्यक्ति और एड कर दिए, यानी अब कितने हो गए, 280 व्यक्ति। तो 130 व्यक्ति तो और जोड़ दिए यहाँ पे, तो 280 व्यक्ति हो गए। तो ये 280 व्यक्ति मिलकर ये इस काम को कंप्लीट कर देते हैं बिल्कुल टाइम पे। तो देखिए 45 दिनों तक तो इन्होंने काम कंप्लीट कर लिया था यहाँ तक, तो बचे कितने दिन, 60 दिन तक अगर कंप्लीट करना था तो 15 दिन बचे, तो इन्होंने सबने मिलकर क्या कर दिया, इन्होंने 15 दिन में कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि अगर ये 130 व्यक्ति अगर एड नहीं होते, अगर 130 व्यक्ति यहाँ पे ठेकेदार ने यहाँ पे एड नहीं किया होता इन वर्कर्स को, तो कितना टाइम हमें एक्स्ट्रा लगता, वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से टोटल वर्क आ जाएगा, देखिए टोटल वर्क क्या आ जाएगा, कितने व्यक्ति हैं, देखिए शुरू में कितने व्यक्ति हैं, 150 व्यक्ति हैं, तो 150 व्यक्ति हैं, कितने दिनों तक काम किया उन्होंने, 45 दिनों तक, तो 150 व्यक्ति 45 दिनों तक काम करते हैं, तो इतना काम कंप्लीट हो गया, यहां तक ये काम कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद में 150 व्यक्ति एड हो जाते हैं, तो कितने हो गए, 280, तो 280 व्यक्ति हैं, ये कितने दिन काम करते हैं, 15 दिन, ये 15 दिन काम करते हैं, तो इन्होंने तो इतना काम किया, ठीक है, 280 व्यक्तियों ने, और 150 व्यक्तियों ने कितना काम किया, कितना काम किया, तो टोटल वर्क हो गया हमारे पास ही, तो ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। क्लियर? तो ये टोटल वर्क आ गया। अब इस टोटल वर्क को हमें कितने दिन में, ये अगर 150 व्यक्ति ही करते इस काम को, अगर 150 व्यक्ति ही करते 60 दिनों में, ठीक है, अगर 150 व्यक्ति करते तो कितना टाइम लगता, तो ये हमारे पास टोटल वर्क है। तो इस टोटल वर्क को अगर केवल और केवल 150 व्यक्ति, ये 150 व्यक्ति अगर कंप्लीट करते तो कितना टाइम लगता, ये इतना टाइम लगता, ये टोटल वर्क हो गया, एक दिन में इतना व्यक्ति कर रहा है मान लीजिए, तो 150 व्यक्ति कितना टाइम लेंगे, इतना टाइम लेंगे यहां से, तो सोल्व कर लीजिए। देखिए यहां से 150 से काटेंगे हम, तो 150 से देखिए ये पूरा का पूरा 150 चला गया, यहां से 15 और 0 चला गया, तो बताइए यहां से कितना टाइम लगेगा 150 व्यक्ति काम करने के लिए, तो यहां पे 45 और 28, तो 40 60 और 70 73, कितना टाइम लग रहा है इनको, 73। तो अगर ओनली
अगर ओनली 150 लोग अगर काम करते तो उनको कितना टाइम लगता? 73 दिन। और लेकिन ठेकेदार ने कितना काम करने के लिए बोला था, कितने दिनों में कंप्लीट करने के लिए बोला? 60 दिनों में, 60 दिनों के लिए बोला था। लेकिन अगर 150 व्यक्ति ही काम करते, रेगुलर अगर 150 व्यक्तियों से वो काम करवाता तो ये काम 73 दिन तक चलता। क्लियर? अब हमसे पूछा है कि अगर ये 150 व्यक्ति ही काम करते तो कितना एक्स्ट्रा टाइम लगा? तो देखिए, काम तो करवाना था 60 दिनों में, 60 दिनों में, तो अगर 150 व्यक्ति ही काम करते तो कितना टाइम ले रहा है वो? 73 दिन। तो बताइए यहां से कितने एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है वो? 13। तो अगर ये 150 व्यक्ति ही काम करते हैं तो 13 दिन एक्स्ट्रा लगता, यानी उनको 73 दिन लगते काम करने के। क्लियर है? तो यही हमसे पूछा है। क्लियर? आपको एग्जाम में देखिए इतना कुछ नहीं करना, ये आपको मैंने समझाने के लिए बोला है, आपको डायरेक्ट ये अप्रोच लगाना है। टोटल आपको निकालना है, माइंड में निकालना है, 150 × 45 प्लस 280 × 15 डिवाइडेड बाय 150, बस इसको सोल्व करना है और ये आ गया हमारे पास 13। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देखिए तो ये 13 दिन इसका आंसर आ गया। आपको एग्जाम में बस इतना ही करना है, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए इतना कुछ लिखा है मैंने। क्लियर? तो देखिए 68 क्वेश्चन तक मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो ये टाइम एंड वर्क के जितने भी टाइप थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आप कौन सा टॉपिक अर्थमेटिक का पढ़ना चाहते हैं, वही हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए एसएससी सीजीएल प्री का भी जो मार्क्स हैं वो आउट हो गए हैं आज शाम को, तो जो भी स्टूडेंट हैं जिनका मेंस का एग्जाम है वो भी इन वीडियोस को देख कर आप तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में इतना है, नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।